हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है शेयर मार्केट के ऊपर। तो जनरली लोग ट्वेल्थ के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद या फिर जॉब लगने के बाद इन्वेस्ट करते हैं धीरे धीरे शेयर मार्केट में, और कुछ कुछ लोग तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं अपने 40s में। तो दोस्तों, तब तक बहुत डिले हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो का मेन पर्पज यही है कि आप ट्वेल्थ के बाद ही धीरे धीरे शेयर मार्केट क्या होता है वो समझ जाए, और ट्वेल्थ के बाद ही आप धीरे धीरे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख जाए, ताकि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और आपको जॉब लगे तब तक आप शेयर मार्केट को प्रॉपरली समझ गए होंगे, और तब आप अच्छे तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही है हमारा आज के इस वीडियो का मेन पर्पज, कि अभी से आप शेयर मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना सीख जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता है शेयर मार्केट, देन हम देखेंगे कि क्या हमें शेयर मार्केट में एक्चुअली इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, देन क्या है इसके रिगार्डिंग मिथ्स, क्या होते हैं शेयर मार्केट के डिफरेंट टाइप्स, और अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको किस किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए और आपके हाथ में कितना पैसा होना चाहिए। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपके शेयर मार्केट के जो भी डाउट्स रहेंगे उसे आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम इस वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जो डीमैट अकाउंट लगता है उसे हम स्टेप बाय स्टेप फ्री में कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से अगर किसी को शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ पता है तो आपको ये शेयर मार्केट के बेसिक्स देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गेट योर डीमैट अकाउंट ओपन वाले लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोग को शेयर मार्केट के बारे में जरा भी कुछ नॉलेज नहीं है वो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखे, उससे आपके शेयर मार्केट के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि क्या होता है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें आप कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो आप उस कंपनी के जितने शेयर्स बाय करोगे उतने पार्ट के आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे। तो अगर आपने जिस कंपनी के शेयर सिलेक्ट किए हैं या फिर बाय किए हैं, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपने जो शेयर्स बाय किए हैं, अगर उस कंपनी को होता है प्रॉफिट तो सेम टाइम पे आपको भी प्रॉफिट होगा, और अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो आपको भी उस शेयर पे होगा लॉस। तो यही है सिंपल मीनिंग ऑफ शेयर मार्केट। तो दोस्तों, इस शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या क्या है इसके टाइप्स, वो हम देखेंगे हमारे आगे के वीडियो में। बट वो देखने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं कि क्या जरूरत है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे प्रीवियस जनरेशन को देखोगे, मतलब हमारे मम्मी पापा अंकल आंटी, वो किस में इन्वेस्ट करते थे? तो वो इन्वेस्ट करते थे फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, रियल इस्टेट, या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट में वो पैसे को रख देते थे। तो उनके जमाने में फिक्स डिपॉजिट से, गोल्ड से, रियल इस्टेट से, सेविंग अकाउंट से कुछ अच्छा खासा रिटर्न आ जाता था। बट अभी अगर आप देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट से बहुत कम रिटर्न मिलता है, जो कि है 7-8%। अगर आप गोल्ड को देखोगे तो उस पे भी आपको एक ईयर में 5-6% का रिटर्न मिल सकता है। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा 5-6% का रिटर्न, और अगर आप आपका पैसा सेविंग अकाउंट में रखोगे तो उस पे आपको मिलेगा सिर्फ 4% का रिटर्न। तो मतलब आप 1000 रुपया रखोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 40 रुपीज एक्स्ट्रा। यहाँ पे अगर आप रखोगे 1000 रुपीज तो आपको मिलेगा 50 या फिर 60 रुपीज एक्स्ट्रा, और फिक्स डिपॉजिट में रखोगे तो आपको 1000 पे 70 या फिर 80 रुपीज रिटर्न्स में मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो इसके कंपेयर में अगर आप आपका पैसा सोच समझकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजिली 15-18% तक का रिटर्न पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके कंपेयर में शेयर मार्केट में इजिली अगर आपने सोच समझ कर इन्वेस्ट किया तो आपको 15-18% रिटर्न मिल सकता है। तो यही नेसेसिटी है इस जनरेशन की। तो हमें अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड या फिर रियल इस्टेट के बदले सोच समझकर इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि अगर शेयर मार्केट से इतना अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है तो इंडिया में इतने कम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इतने डरते क्यों है? तो इसी आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं अभी बताऊंगा कि क्या है शेयर मार्केट के रिलेटेड मिथ्स और क्या है उसके रिलेटेड रियल वाले फैक्ट्स। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को लेकर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा पैसा रातों रात डबल हो जाएगा या फिर हमें 4x 5x प्रॉफिट मिल जाएगा।
बट दोस्तों ये एक मिथ है। तो एक्चुअल सिनारियो में क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ शेयर्स पे आपका पैसा एक या फिर दो हफ्तों में डबल हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा हमेशा डबल या फिर ट्रिपल हर हफ्ते में होते रहेगा। तो आपको शेयर मार्केट में सर्वाइव और ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा पेशेंस से डिसीजन लेना है। तो अगर आपने शेयर मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका 15 या फिर 18% तक शेयर का वैल्यू बढ़ने के लिए आपको कभी कभी दो हफ्ते, चार हफ्ते या फिर एक साल या फिर दो साल तक भी आपको रुकना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमेशा कम समय में ज्यादा ग्रो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको जरूरत है अपने डिसीजंस के ऊपर पेशेंस रखने की। देन इसके बाद दोस्तों शेयर मार्केट को लेके लोग ये भी बोलते हैं कि ये एक प्रकार का जुआ है या फिर सट्टा बाजार है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हम जुए की तरह हमारा सारा पैसा हार सकते हैं। बट दोस्तों ये एक तरह का मिथ है। तो दोस्तों ये मिथ हमारे लोगों के दिमाग में फिट बैठा है बिकॉज ऑफ लेस अवेयरनेस ऑफ शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में सोच समझकर प्रॉपरली किसी कंपनी का स्टडी करके अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पूरा पैसा कभी भी लॉस नहीं होगा। और अगर आप प्रॉपरली स्टडी करके किसी कंपनी के ऊपर शेयर में पैसा लगा रहे हो तो आप जुए की तरह लक से प्रॉफिट नहीं कमाओगे। उससे कमाया हुआ प्रॉफिट आपके शेयर मार्केट की स्टडी का रिवॉर्ड होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। आपको प्रॉपरली कंपनी को स्टडी करना है और सोच समझकर अपना पैसा प्रॉपर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिससे आप इजीली 15-18% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कंपनी का स्टडी कैसे करना है वो देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होते हैं शेयर मार्केट के मेजर कैटेगरीज। तो दोस्तों शेयर मार्केट के मेजरली दो कैटेगरीज है, उसमें से फर्स्ट है इक्विटी मार्केट और सेकेंड है डेरिवेटिव्स मार्केट। तो इसमें से इक्विटी मार्केट क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे आप शॉप में जाते हो और वहां पे आपको जो कुछ भी चीज पसंद आती है उसके लिए आप पैसे देते हो और आप वो चीज बाय करते हो। सिमिलरली इक्विटी मार्केट्स में भी आपको जो स्टॉक पसंद है उसके लिए आपको पैसे देने हैं और वो शेयर बाय करना है। तो इसमें आप एक शेयर, दो शेयर या फिर 50 शेयर, 100 शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। और अगर वो शेयर का वैल्यू ऊपर जाता है तो आपको भी होगा प्रॉफिट, और अगर वो शेयर का वैल्यू नीचे आता है तो आपको झेलना पड़ेगा लॉस। तो दोस्तों इस इक्विटी मार्केट में आप दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म मतलब आप 3-4 महीने या फिर 6 महीने तक स्टॉक होल्ड करके रख सकते हैं और उसे प्राइस बढ़ने के बाद बेच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म मतलब आप किसी स्टॉक को 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल या फिर उससे भी ज्यादा साल के लिए होल्ड कर सकते हो और उसके बाद उसे जब चाहे सेल कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। देन इसके बाद इक्विटी में और एक तरह का टाइप आता है जो कि है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसमें आप अगर मॉर्निंग में कोई स्टॉक खरीद लेते हो तो उसे आपको शेयर मार्केट का वो दिन खत्म होने से पहले अपना प्रॉफिट निकाल के सेल करना है। तो इसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसे इंट्राडे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मॉर्निंग में स्टॉक लेते हैं और वो दिन खत्म होने से पहले उसे सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इक्विटी के टाइप्स। देन सिमिलरली अभी डेरिवेटिव्स में दो मेजर कैटेगरीज है जो कि है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो दोस्तों ये दोनों भी ऐसी कैटेगरीज है जो आपको बहुत ही हाई रिटर्न्स दे सकती है, बट इसमें बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क होता है। इसके मुकाबले आपको इक्विटी में बहुत ही कम रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ट्रेड कीजिए इक्विटी में और समझ लीजिए कि कैसे चलता है स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला ट्रेडिंग क्या है, तो दोस्तों इसमें कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि इस शेयर का वैल्यू 30 दिन में कितना बढ़ेगा या फिर 30 दिन में कितना कम होगा, तो उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर उसके ऊपर आपको बेट लगाना है। तो इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी भी कंपनी की बहुत ज्यादा डेप्थ में स्टडी करना बहुत जरूरी है और इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि यह प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि 30 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद इस कंपनी का स्टॉक कहां तक ऊपर जाएगा और कहां तक नीचे आएगा। तो इसीलिए एज ए बिगिनर आप सिर्फ ट्रेड कीजिए इक्विटी मार्केट्स में, जहां पे आपको इनिशियली शेयर मार्केट के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी शेयर मार्केट के मेजर कैटेगरी समझने के बाद अभी हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर बाय करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में क्या क्या जान लेना चाहिए और क्या है उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट टिप्स। तो चलिए दोस्तों उसे समझते हैं एक एग्जांपल लेके। तो समझ लो कि आपका एक दोस्त है जो स्टार्ट कर रहा है उसका खुद का बिजनेस। तो अगर वो कल को आके आपसे कह दे कि मेरे बिजनेस में तू भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे, फिर उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा
वो मैं तुझे तेरे शेयर के हिसाब से दे दूंगा। तो दोस्तों इस केस में क्या आप अपना पैसा डायरेक्टली उसके बिजनेस में लगाने के लिए रेडी हो जाओगे? तो नहीं। तो उसके लिए पहले आप क्या क्या देखोगे? पहले आप चेक करोगे कि वो क्या बिजनेस करने वाला है, उसका प्रोडक्ट क्या है, क्या उसमें बिजनेस संभालने के स्किल्स है। देन अगर वो बिजनेस चला रहा है तो उससे वो मैनेज हो पाएगा या नहीं। देन आप ये भी देखोगे कि लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजों की जानकारी लेके ही आप इन्वेस्ट करोगे आपके दोस्त के बिजनेस में। तो सिमिलरली दोस्तों आपको यही सेम चीजें करनी है अपने स्टॉक्स बाय करने के वक्त। तो इसी तरह से कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते समय आपको चेक करना है कि ये कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, लास्ट 4 to 5 ईयर्स में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, इस कंपनी के मैनेजमेंट करने के स्किल्स कैसे है, देन इस कंपनी का प्रोडक्ट लोगों में पॉपुलर है कि नहीं है, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं पसंद है। देन आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज भी देखने हैं कि कभी ये कंपनी का प्रोडक्ट कंट्रोवर्सी में रहा है क्या, या फिर न्यूज में इस कंपनी के बारे में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं या फिर इस कंपनी की बुराई की जाती है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें चेक करनी है किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले। तो इन्हीं सारी चीजों से आप इनिशियली जज कर सकते हो कि आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। सो फॉर बिगिनर्स मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप कुछ क्वालिटी एंड रेप्यूटेड कंपनीज में ही इनिशियली इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको एक स्टेबल इनकम आता रहेगा और आपको बड़ा लॉस भी नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग दो रियल लाइफ एग्जांपल, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि मैंने कौन से दो स्टॉक्स लिए और मुझे उस पे कैसा रिटर्न मिला। तो दोस्तों रिसेंटली मैंने इन दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। तो मैंने अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट किया था कुछ लास्ट दिसंबर में, और मैंने आलोक इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया था कुछ एक या फिर डेढ़ महीना पहले। तो दोस्तों पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने इस अशोक लेलैंड में क्यों इन्वेस्ट किया था। तो दोस्तों वो सीजन चालू था दिसंबर का, तो जैसे ही नया साल आता है या फिर मार्च में गुड़ी पड़वा आएगा तो बहुत सारे लोग नए नए व्हीकल्स बाय करते हैं, और तभी अशोक लेलैंड ने जो हमारा नया गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया था BS6 उसका सबसे पहले सर्टिफिकेशन हासिल किया था। तो उसके लिए मैंने दिसंबर में इन्वेस्ट किया था अशोक लेलैंड में, ताकि इतनी सारी अच्छी न्यूज है इस कंपनी के रिगार्डिंग तो ये शेयर जरूर ग्रो करेगा इसके लिए। तो दोस्तों तब मैंने अशोक लेलैंड के शेयर को बाय किया था 45 रुपीज में, और तब मैंने क्वांटिटी लिया था इसका 100 शेयर्स का। तो दोस्तों अगर मैं 45 रुपीज के 100 शेयर बाय करता हूं तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? तो वो हो जाएगा 45 × 100। तो मैंने इन्वेस्ट किया था 4,500 रुपीज। देन इसके बाद अभी हम आते हैं आलोक इंडस्ट्रीज पे। तो दोस्तों अभी आप सभी को तो अशोक लेलैंड का नाम तो पता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, बट बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी का नाम तो नहीं सुना रहेगा जो कि आलोक इंडस्ट्रीज। तो फिर मैंने इस कंपनी का स्टॉक क्यों बाय किया? तो दोस्तों मैंने न्यूज देख के ये जाना कि ये जो आलोक इंडस्ट्रीज है इस कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, और एक डेढ़ महीने पहले इंडियन मार्केट में PPE किट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी और गवर्नमेंट की तरफ से वो रिक्वायरमेंट आलोक इंडस्ट्रीज को दी गई थी। तो तब इस कंपनी का शेयर प्राइस था 25 रुपीज। तो इसके लिए मैंने आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर बाय किया। देन उसके बाद मैंने इस कंपनी का थोड़ा सा मैनेजमेंट को स्टडी किया, देन मैंने देखा कि इनके बाकी सारे प्रोडक्ट्स क्या क्या है और ये कंपनी कैसे काम करती है। तो उससे मुझे लगा कि इस कंपनी में मुझे शेयर खरीद लेने चाहिए। तो मैंने 25 रुपीज पे इस कंपनी में 200 शेयर्स बाय कर दिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो गया अभी? तो मैंने 25 रुपीज के 200 शेयर्स लिए, तो मेरा अमाउंट हो गया अभी इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज। तो दोस्तों मैंने अभी तक क्या क्या इन्वेस्ट किया है? अशोक लेलैंड में मैंने इन्वेस्ट किया है 4,500 रुपीज, और आलोक इंडस्ट्रीज में मैंने इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपीज। तो दोस्तों अभी दिसंबर के बाद मार्च में तो कोविड वाली सिचुएशन आ गई, तो उसकी वजह से सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को पहले से भी और ज्यादा घाटा होने लगा। बट फिर भी ये अच्छी खासी कंपनी थी, इसके लिए उसकी शेयर प्राइस 45 से सिर्फ 51 रुपीज बन गई। तो मुझे इस कंपनी में अभी तक तो कुछ लॉस नहीं हुआ है, बट मेरा जो प्रॉफिट था वो क्या हुआ? पर शेयर सिर्फ 6 रुपीज से बड़ा है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं अभी कल जाके इस शेयर को बेच देता हूँ तो मुझे प्रॉफिट कितने का होगा? अभी मैंने बाय किए हैं 100 शेयर्स और मेरा पर शेयर कितना बड़ा है? तो 45 से बन गया है 51। तो मेरा पर शेयर
6 रुपीज बढ़ा है तो 100 शेयर के लिए कितना बढ़ेगा, 6 × 100। तो अभी तक मेरा 600 रुपीज का यहां से प्रॉफिट है। तो अगर मैं कल जाके इस शेयर को बेच देता हूं तो मुझे इस शेयर पे मिलेगा 600 रुपीज का प्रॉफिट। बट दोस्तों आप ये मुझे बताना कि ये कोविड का सिचुएशन क्या लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है? ये ज्यादा से ज्यादा चलेगा 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद नेक्स्ट साल में लोग नई नई कार्स खरीदने ही वाले हैं, तो तब जाके इस शेयर का प्राइस और भी बढ़ेगा। तो मैं इसे अभी सेल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा इस शेयर को 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए और रखूंगा, और जब इस शेयर का प्राइस मुझे लगेगा उस अमाउंट तक पहुंच जाएगा तब मैं इसे अच्छे रिटर्न के साथ सेल कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं कि क्या हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज में। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है कुछ 55 रुपीज। तो दोस्तों यहां पे मुझे पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ, तो एक शेयर का प्राइस था 25 रुपीज, तो वो अब पहुंच गया है 55 रुपीज पे। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज का फॉर 1 शेयर। तो अगर मुझे एक शेयर पे 30 रुपया मिलता है तो मुझे 200 शेयर पे कितना मिलेगा, सो 30 × 200, तो मुझे यहां पे प्रॉफिट होगा 6000 रुपीज का। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने इन्वेस्ट किया था 5000 रुपीज और मुझे अभी उस पर और 6000 रुपीज प्रॉफिट मिल गया है। तो दोस्तों यही होता है शेयर मार्केट। तो इन दोनों सिचुएशन को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है और ये इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत ही गलत था। आप इसे इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 1.5 महीने में 6000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने ये प्रॉफिट निकाल लिया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने अगर इन शेयर्स को 2 साल तक रखा तो मुझे शायद से इससे भी ज्यादा प्रॉफिट इस कंपनी में हो सकता है, क्योंकि ये भी एक ट्रस्टेड कंपनी है और इसका भी शेयर 1-2 साल में कन्फर्म ग्रो हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल्स देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आ सकता है कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में 5000 या फिर 10000 रुपया नहीं है, तो क्या फिर भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। तो दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपके पास 5000, 10000 या फिर 20000 रुपए होने ही चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 500 या फिर 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो छोटी अमाउंट से स्टार्ट करने के बाद जैसे आपको शेयर मार्केट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आते जाएगा, वैसे आप धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाना। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, और वो आप स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 500 या फिर 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके। देन इसके बाद आता है दोस्तों हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम वो कैसे और कहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लगेगा एक डीमैट अकाउंट। तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जनरली लगते हैं 300 to 600 रुपीज। बट अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गेट अ फ्री डीमैट अकाउंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। तो दोस्तों आपका डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन करने के लिए कई सारे बेनिफिट्स है। तो उसमें से फर्स्ट यह है कि एंजल ब्रोकिंग इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के लिए, और ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, और ये एक 30+ ईयर्स ओल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है। और अगर एंजल ब्रोकिंग के ऐप के बारे में बात करें तो वो एक ऐसा ऐप है विच इज हैविंग 1 मिलियन+ डाउनलोड्स। तो दोस्तों ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऐप है फॉर शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स। और एंजल ब्रोकिंग से आपको दूसरे भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करोगे तो किसी भी ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होगा, और अगर आप इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पर ऑर्डर सिर्फ 20 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों एज अ बिगिनर अगर आप इक्विटी में ही ट्रेड करने वाले हो तो आपका ट्रेडिंग होने वाला है फ्री में। तो चलिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ओपन होगा हमारा फ्री डीमैट अकाउंट विद एंजल ब्रोकिंग। तो उसके लिए पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको गेट अ फ्री डीमैट अकाउंट वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये एंजल ब्रोकिंग का वेबसाइट ओपन होगा। तो दोस्तों ये डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर आपको डिटेल में ये समझना है कि कहां कहां पे कौन सा इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो फुल नेम लिखा है वहां पे आपको डालना है आपका पूरा नाम, देन नीचे आपको फिल करना है आपका मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे तो एक OTP जनरेट होके आपके मोबाइल पे सेंड होगा। तो जब तक वो OTP आता है तब तक हम फिल करते हैं यहाँ पे अपना सिटी नेम। तो आपका जो कोई भी सिटी नेम है, मुंबई, पुणे, वो आप यहाँ पे फिल कर दो।
तब तक आपको आपका ओटीपी मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे आपका ओटीपी फिल करना है। देन नीचे जो कोड है ADOLM, उसे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो आपको एज इट इज रखना है। देन उसके नीचे है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उस बॉक्स में आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है टेक मी अहेड। तो उसके बाद हमारा ओपन होगा ये नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे फिल करने हैं आपको आपके बैंक के डिटेल्स। तो जहाँ पे फर्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, देन नेक्स्ट है आपका पैन कार्ड का नंबर, तो वहां पे आपको प्रॉपरली आपका पैन कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद आता है आपका ईमेल आईडी, तो आपको वहां पे आपका ईमेल आईडी फिल करना है। देन उसके बाद आपको फिल करना है आपका बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे आपको आपका एग्जैक्ट बैंक अकाउंट नंबर लिखना है जो भी आपके पासबुक या फिर चेकबुक के ऊपर है। देन उसके बाद आता है ये IFSC कोड, तो ये भी आपको आपके पासबुक या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप ये बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे फिल करते वक्त कोई भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये साइट कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर है। तो IFSC कोड पुट करने के बाद आपको नीचे दिखेगा कि अकाउंट ओपनिंग के लिए कितने चार्जेस है, तो वहाँ पे है ₹699 चार्जेस, बट हमारे इस कोलैबोरेशन की वजह से आपको ये अकाउंट ओपनिंग मिल रहा है फ्री में, और उसके नीचे उसके चार्जेस लिखे हैं। तो इक्विटी के लिए आपको 0 ट्रांजेक्शन फीस लगेंगी, और अगर आपको इंट्राडे या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको पर ट्रांजेक्शन ₹20 चार्ज होगा। तो अगर आप इक्विटी में ही ट्रेड करने वाले हो तो आपकी ट्रेडिंग होगी फ्री में। तो ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद अभी हम क्लिक करते हैं टेक मी अहेड पे। तो उसके बाद अभी ये जो नेक्स्ट पेज आया है वहां पे आपको फिल करने हैं आपके पर्सनल डिटेल्स। तो वहां पे आपको तीन ऑप्शंस है, फर्स्ट है शेयर विद आधार, सेकंड है शेयर वाया डिजी लॉकर, और थर्ड है एंटर डिटेल्स मैन्युअली। तो उसमें से अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जो कि है शेयर ऑफलाइन आधार, तो आपके फोन पे एक छोटा सा टैब ओपन होगा जिसमें लिखा रहेगा अपलोड आधार डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे अभी चूज एन एक्शन करके और छोटे छोटे टैब्स आ गए, तो उनमें से फर्स्ट ऑप्शन है कैप्चर इमेज, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका कैमरा ओपन होगा और उससे आप आपके आधार कार्ड का पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और उसमें लास्ट ऑप्शन है फाइल्स, तो वहां पे क्लिक करके आप ऑलरेडी आपके फोन में जो आधार कार्ड का फोटो है उसे अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर वाया डिजी लॉकर, तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आपके कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब कोई भी ड्राइव पे अगर आपका आधार कार्ड का फोटो अवेलेबल है या फिर अपलोडेड है तो आप वो वाला फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन जो कि है एंटर डिटेल्स मैन्युअली, तो अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको एक नीचे बटन दिखेगा जो कि है प्रोसीड, तो अगर आप वो प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वाला पेज ओपन होगा जहां पे आपको मैन्युअली पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। तो उसमें फर्स्ट हमें फिल करना है जेंडर, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे मेल फीमेल एंड अदर्स, तो आपका जो कुछ भी जेंडर है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मैरिज योर स्टेटस, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे सिंगल मैरिड एंड अदर्स, तो अगर आपकी शादी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं मैरिड, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप क्लिक कर सकते हैं सिंगल। देन उसके बाद है नेक्स्ट एनुअल इनकम, तो अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग इनकम के स्लैब्स मिलेंगे, तो वहां पे है 1 to 5 lakhs, 5 to 10 lakhs, तो आपको आपका जो कोई भी एनुअल इनकम का स्लैब है उसमें टिक करना है। देन उसके बाद है ऑक्यूपेशन, तो वहां पे क्लिक करके आपको आपका जो कुछ भी ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको वहां पे क्लिक करना है, अगर आपका पब्लिक सेक्टर है तो आपको वहां पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट है बिजनेस, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। देन आपको फिल करना है आपके फादर का नेम, तो वहां पे आपको फर्स्ट नेम फिल करना है आपके पिताजी का। देन नेक्स्ट है फादर्स लास्ट नेम, तो वहां पे आपको फिल करना है आपके पिताजी का सरनेम। देन उसके नीचे है आपके एड्रेस डिटेल्स, तो वहां पे आपको एड्रेस लिखना है 3 lines में। देन उसके बाद आपको लिखना है स्टेट का नाम, देन आएगा सिटी का नाम, और उसके बाद आएगा आपका पिन कोड। तो दोस्तों आप जो यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हो तो वो होना चाहिए आपके आधार कार्ड का एड्रेस, बट अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस बहुत ही बड़ा है और वो 3 lines में वहां पे फिट नहीं हो रहा है तो आप आपके एड्रेस में से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं, बट याद रखना कि वो डिटेल्स आपके आधार कार्ड पे मेंशन होने चाहिए। तो ये सब पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड बटन पे। तो दोस्तों अभी ये जो नेक्स्ट पेज लोड हुआ है उस पे आपको अपलोड करने हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स।
तो जिसमें से फर्स्ट है रिसेंट पासपोर्ट फोटो। तो यहाँ पे आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे ये ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से सिमिलरली हमारा फर्स्ट है कैप्चर इमेज, जिससे आप डायरेक्टली आपका पासपोर्ट साइज के फोटो का फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और वहीं पर लास्ट ऑप्शन है फाइल्स। तो अगर आप वहां पे क्लिक करोगे तो वहां से आप आपके फोन में जो कोई भी आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा उसे आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बट दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोटो का जो कुछ भी टाइप है वो होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और वो फोटो का साइज 5 MB से कम होना चाहिए। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका फोटो ID प्रूफ, जहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका पैन कार्ड। तो उसे अपलोड करने के लिए भी आपको सेम तरीके से अपलोड पे क्लिक करना है। देन आपको सेम दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप डायरेक्टली फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके फोन में ऑलरेडी जो फोटो है उसे अपलोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है, और उसके लिए भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल है। या तो आप डायरेक्टली क्लिक करके डाल सकते हैं, या फिर जो भी प्रीवियसली आपके फोन में फोटोज है आधार कार्ड के उन्हें आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट। तो दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना ऑप्शनल है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको इसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको आपका बैंक स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो अगर आप बिगिनर्स है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड कीजिए, और उसके लिए आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट को प्रोवाइड करने की या फिर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जो पैन कार्ड और आधार कार्ड आप अपलोड करने वाले हो उसका फाइल फॉर्मेट भी JPG या फिर PDF होना चाहिए, और उन दोनों का साइज भी 5 MB के नीचे होना चाहिए। देन उसके नीचे आपको दिखेगा कि वहां पे लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन रिसीविंग व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस। तो अगर आपको व्हाट्सएप पे आपके ट्रेडिंग के नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप उस बॉक्स में टिक कर सकते हैं, और अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए तो आप सिंपली उस टिक को रिमूव कर दीजिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू e-sign पे। तो वहां पे क्लिक करके ओपन होगा हमारा ये NSDL का e-sign का पेज। तो ये NSDL का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्विस है। तो यहाँ पे आपको उस बॉक्स में टिक करना है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप ऑथोराइज करोगे कि आप अपने आधार कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर NSDL को प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो टिक करने के बाद नीचे जो बॉक्स है वहां पे आपको फिल करना है आपका आधार कार्ड का नंबर। तो वो नंबर फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है सेंड OTP वाले बटन पे। तो जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे तो एक ऑटो जनरेटेड OTP आपके फोन पे सेंड होगा। तो वो OTP मिलने के बाद आपको वहां पे एक एंटर OTP का बॉक्स मिलेगा, जहां पे आपको वो OTP फिल करना है, और आपको जस्ट क्लिक करना है वेरीफाई OTP। तो जैसे ही वो OTP वेरीफाई हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा आपका कैमरा। तो वहां पे आपको एक 10 सेकेंड्स का आपका वीडियो शूट करना है, जिसमें आप आपका पैन कार्ड शो करोगे। तो ये छोटा सा वीडियो रहेगा फॉर इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए। वो वेरीफाई कर पाएंगे कि अप्लाई करने वाला पर्सन और पैन कार्ड वाला पर्सन सेम ही है या नहीं है। तो ये 10 सेकेंड्स का वीडियो शेयर करने के बाद आपको बस नीचे क्लिक करना है प्रोसीड बटन पे। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा फॉर POA। तो दोस्तों, ये POA क्या है? POA मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी। तो दोस्तों, ये कोई भी आपके जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी बस एंजल ब्रोकिंग को परमिशन देने के लिए है, ताकि वो आपकी तरफ से शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो ये POA की प्रोसीजर के लिए आपको मेल पे एक छोटा सा फॉर्म आएगा। तो आपको बस उस फॉर्म को प्रिंट करना है और उसके ऊपर साइन करना है, और जो भी छोटे मोटे डिटेल्स चाहिए रहेंगे उन्हें फिल करना है। देन वो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, फर्स्ट है सेल्फ कुरियर और सेकंड है शेड्यूल पिकअप वाला। तो अगर आप शेड्यूल पिकअप करते हो तो एंजल ब्रोकिंग की तरफ से एक एजेंट आपके घर पे आएगा और वो फॉर्म लेके जाएगा। बट उसके लिए एंजल ब्रोकिंग आपसे 250 रुपया मतलब 250 रुपीज चार्ज करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप सेल्फ कुरियर ही कर देना। उसके लिए आपको बस मैक्सिमम 50-60 रुपीज का चार्ज गिरेगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप इन दोनों ऑप्शन में से सेल्फ कुरियर को चूज कर दे और खुद ही जाके कुरियर कर देना। तो दोस्तों, जैसे ही आपका ये POA फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, तब आपके एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में डायरेक्टली 100 रुपीज का कैशबैक आ जाएगा। तो दोस्तों, ये होने के बाद आपको क्लिक करना है इस प्रोसीड बटन पे। तो उसके बाद डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो इसका मतलब आपका डीमैट अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद जब आपका पीओए फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग की तरफ से, तब आपको आपके लॉगिन डिटेल्स मेल किए जाएंगे आपके मेल आईडी पे। तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं आपका ट्रेडिंग। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि व्हाट इज शेयर मार्केट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और फ्री में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा, देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड और भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर जाए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।